પાપા એક જ વાત છે એક જ વાત છે હા મેં પંડિત શ્લોકેશ્વર પંડિત હૈ और पृथ्वी पर जितने भी मनुष्य हैं उनके शादी का रस्म का सारा डाटा अपने अंदर फीड कर लिया है। मतलब कोई भी शादी हम करा सकते हैं। पंडित पंडित, ये चाइनीज शादी का मंत्र है, यहाँ पे सिर्फ हिंदुस्तानी शादियां होंगी। कंफ्यूज आ गए थे थोड़ा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरु ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनुहरि। अरे ये दुल्हन के बच्चे के कान के नीचे ना कंटाप लगाई देंगे अम्मा कसम। क्या हो गया? 2 किलो मेकअप लगा दिया है फिर भी कहती हमका और गोरा दिखना है और गोरा दिखना है। अब क्या करे, उसके मुंह पे क्या आटे का बोरी पलट देगा। अरे एक ही मैया की जय, ये लोग कौन है रे ननकू? अरे ये लोग सब लोग मेरे हाथ का दमन खोखला खाने आए हैं। लेकिन एक बात बताइएगा आप लोग, आप यहाँ पे खाली हमारे ननकों के हाथ का बना हुआ खाना खाने तो नहीं आए हैं ना? क्योंकि क्या है ना कि शादी में और भी बहुत चीजें होती है। का नहीं मालूम? अरे शादी में बहुत चीजें होती है, नाच गाना होता है, हर किस्म की रस्म होती है, रोना धोना होता है, हंसना गाना होता है, और हाँ एंटरटेनमेंट तो घमासान होता है। तो फिर जरूर देखिए शादी के स्यापे हर शनिवार रविवार रात 8 बजे एंड टीवी पर, सैटरडे संडे 8 PM ओनली ऑन एंड टीवी। हंसी की बड़ी, हाँ जी हाँ जी, देखिए हंसी की भरपूर फुहारे होंगी बेशुमार, और साथ में आपको मेरी ये छोटी सी फैमिली के साथ भी प्यार हो जाएगा। हाँ जी, अगर झूठ बोला तो मजाक नहीं कर रही हूँ, सच में कह रही हूँ, गारंटी है फैंसी आंटी की। जरूर देखिए शादी के स्यापे। थैंक यू सो मच फैंसी आंटी। मे आई प्लीज रिक्वेस्ट द टीम टू स्टे ऑन स्टेज एंड कैन वी प्लीज प्ले द शो प्रोमोस? यस। वाओ, come ahead guys. Yeah, can everyone first look to the left? Everyone look to the left first, there to your left, to your left. Yeah, everyone look to your left. Center solo yana kuda solo मित्र 2 मिनट वन सेक नेक्स्ट सामने कर रानी रावल जी ने लगाई है। One more, one more, man. One more time.
क्या बात हाँ कौन सा पर वन मोर कौन सा शो का नाम है शादी के सियापे। शादी में प्रॉब्लम्स होती है, शोज के बारे में है, एंड हम कैसे पांच एलियंस इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या प्रॉब्लम्स और बढ़ाते हैं, ये शो इसके बारे में। बिजली है तो जिस इस एलियन ने जिस लेडी से अपने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं तो शी हरसेल्फ इज मल्टी टैलेंटेड। मेहंदी भी मतलब मेहंदी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट है, डांसर है, लेकिन इसकी खासियत ये है कि ये ह्यूमन एलियन है तो बिकॉज शी इज़ एन एलियन तो उसके पास एक सुपर पावर है। उसमें ये है कि वो किसी का कान पकड़ती है तो वो बता सकती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसने एक एलियन का किरदार निभाया है जो एक देसी लुक में है और वो आपको जो लैंग्वेज भी हो एकदम देसी लुक पे, तो इसके लिए किस तरीके का आपको तैयारी करना पड़ा, कैसा टाइप है? बहुत तैयारी करना पड़ा। अच्छा, स्वीटली सवाल पूछा आपने। एंड आई एम ग्लैड कि यू नो एक नया कैरेक्टर है, कुछ नया सीखने को मिलेगा, तो भोजपुरी आई एम स्पीकिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड आई नो कि जल्दी मैं सीख जाऊंगी, मैं जल्दी सीख जाती हूं तो इतना स्माइल कर रहे हो आप यार। हाँ, और हम लोग भी बहुत मज़े कर रहे हैं सेट पे और हंस हंस के पागल हो रहे हैं। आई होप कि जल्दी जल्दी हम टीवी स्क्रीन्स पर आए ताकि आपको भी हंसा पाएँ। सोफा बॉन्डिंग अच्छी हुई है, आई थिंक डे वन से ही प्लेजेंट था सब कुछ, स्मूथ था, एंड होपफुली आज इससे भी बेटर होगा। होपफुली नहीं, होगा होगा, बेटर होगा होगा। मैं विराट हूँ, डीजे है वो, डीजे विराट, दिल्ली बॉय, ओवर स्मार्ट, ओवर एम्बिशियस, म्यूजिक से बहुत प्यार करता है, डीजेइंग आती ही लेकिन करने की कोशिश कर रहा है, एंड हाँ तो शादी में लोगों को नचाता है वो बेसिकली। हाँ, मैं किसका, विराट का कान पकड़ूंगा? अरे ये तो खुद ही एक एलियन है, इनका कान पकड़ के क्या करूँगी? देख लो, हम इनका कान पकड़ेंगे तो ये मुँह से आग धोप देंगे। ये सोच रहे हैं कितनी प्यारी लड़की है ये, बिजली कमाल है, बिजली बोला ये इतनी प्यारी लड़की है बोलने वाली है। हम अपने बारे में कह रहे हैं, विराट सोच रहे हैं कि कमाल है, बिजली हमारी बहुत ही हेल्प करेगी। हमारे राइटर्स हमें बहुत हेल्प कर रहे हैं, एक्चुअली उनके साथ बहुत सारी वर्कशॉप्स की, तो या वी आर वर्किंग ऑन इट। हाँ तो भैया का देख रहे हैं, हंसने के लिए तैयार है का आप लोग? तो हंसने के लिए आप सभी लोगों को का करना है, 16 मार्च से रात 8 बजे रोज सैटरडे संडे अने रोज गुजराती। वेरी गुड। हम फिर से ट्राई करेंगे, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, हर रोज थोड़ी ना 8 बजे। हाँ तो वीकेंड पर का कर रहे हैं, 16 मार्च से वीकेंड्स पर यानी सैटरडे संडे को आप सभी लोगों को हंसाने के लिए हम आ रहे हैं एन टीवी पर शादी के स्यापे लेकर। तो अब आप सभी लोगों को सीरियल देखना है और खूब हंसना है। क्या बोले, बहुत अच्छा बोले, थैंक यू सो मच। ये सही है, ये आइडिया सही है, बाद में निपट लेंगे। ये पहले क्यों नहीं किया? थैंक यू। लेडीज फर्स्ट। देखिए प्रोमो ने तो बता दिया ना, देखिए कैसे मतलब झूठी झूठी शादियां करते हैं लोग, मतलब गंजा था और उसने बाल लगा लिए, ऐसे ही मैं जो दिखती हूँ वो हूँ नहीं, और जैसे ये जो दिखते हैं वो भी ये नहीं है, तो वो सब देखने के लिए कि हम एक्चुअली हैं कौन, आपको इस शो तो देखना ही पड़ेगा। जी नानकू कैरेक्टर है मेरा, जो शेफ है, बावर्ची है, और ये अलग अलग किस्म का खाना बनाता है, इसे सब टाइप के खाना बनाने आता है, पर इसे एक चीज़ नहीं आती, वो है सही से बोलना।
से लैंग्वेज का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो अभी अभी थोड़ी देर पहले आपको जैसे बताया इनकी डेटरी ब्रेन हो गई, अभी क्या बताया, अभी इनको बैठना पड़ेगा, थोड़ा कुछ खाना पीना पड़ेगा, नहीं तो इनकी डेटरी सच में ब्रेन हो जाएगी। अरे डेटरी ब्रेन है, बैटरी ड्रेन होती है। अरे एक ज बात है भाई, यही सॉफ्टवेयर तकनीकी दिक्कत है। अभी आपने इसमें एक बावर्ची का किरदार निभाया जी, आपके खाने में तो जो मसालेदार है वो रहेंगे जी, इसमें आप हमें ऑडियंस को देखने के लिए किस तरीके का मसाला मिलेगा ये बताइए। अरे हर 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 किस्म की शादी होगी हमारे इस शो में, तो आपको हर एक एपिसोड में एक नया स्यापा, एक नई शादी, एक नया मिर्च मसाला दिखेगा। सो आई एम श्योर आपको सबको बहुत मजा आएगा, पूरे हिंदुस्तान का कल्चर दिखेगा। यस, और एलियन का कल्चर भी, जैसे भाई ने बताया। आपने लाइफ में जितनी शादियां मतलब अटेंड की होंगी, आपके फैमिली की और या फिर किसी फ्रेंड की, मतलब आपको ना वो सब कुछ एक्सपीरियंस होगा। आप बोले हाँ ये मेरी शादी में हुआ था, हाँ ये मेरे दोस्त की शादी में हुआ था, ये यू नो लाइक दैट। बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं मेरी ऑडियंस को फिर से बताऊं कि यू नो मैं आ गया हूं वापस, आप प्लीज़ मुझे देखिए अभी सैटरडे संडे को भी, और बस उनको एंटरटेन करने ही आया हूं यहां पर भी, और करते रहूंगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करने आया हूं, एक्सपीरियंस करता रहूंगा। हाँ मतलब शादी में वैसे तो प्रॉब्लम्स होती ही है ना, बट मैं उन प्रॉब्लम्स को ना बढ़ाने के लिए आई हूँ, मैं उन्हें कम नहीं करने आई हूँ, मैं कुछ सॉल्व नहीं करने वाली हूँ। अगर 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 इसने बोला जैसे कि एक बार शादी में दुल्हन की हील टूट गई थी, तो यू नो मैं ट्राई करूँगी कि दूल्हे के जूते के साथ साथ पूरे बरातियों के जूते मैं टपा लूँ और स्यापे करूँ। मैं तो जैसे मैंने बताया बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, और ज़्यादा कुछ मैं मतलब एक्सपेक्टेशन मैं कभी रखता भी नहीं था, ना कभी रखूँगा और ना रख रहा हूँ। बस ये इतना जानता हूँ कि मैं अपना काम करना है, मैं अपना काम करूँगा और बड़े ही दिल से करूँगा और लोगों को हंसा के जाऊँगा, दैट्स ऑल आई नो। कैसे कैसे तो जैसे जैसे सीरियल आगे बढ़ेगा आप लोग देखिएगा, स्यापों की कोई कमी नहीं होगी, हर कहानी में बहुत सारे स्यापे होंगे, और होते हैं आमतौर पे शादियों में स्यापे, बिना स्यापे के कोई शादी। स्यापा वर्ड यूज़ किया है, पंजाबी वर्ड यूज़ किया है, लेकिन वो जो गड़बड़ हैं, जो ऊंच नीच हैं, वो हर शादी में होती हैं, वो चाहे पंजाबी वेडिंग हो, चाहे वो यूपी की वेडिंग हो, चाहे वो महाराष्ट्र वेडिंग हो, डाउन साउथ कहीं वेडिंग हो, वो थोड़ी बहुत ऊंच नीच, वो गड़बड़ हर शादी में होती है। वही शादी का सबसे मेन एक्चुअली जो फन एलिमेंट होता है उन स्यापों में ही होता है, तभी मज़ा आता है। मैं जो कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ वो फैंसी आंटी है, वो दिल्ली की एक लेडी हैं जो कि अब वेडिंग प्लानर हैं, अपना बिजनेस रन करती हैं, इंडिपेंडेंट फीमेल हैं, और वेडिंग प्लानर जो होता है वो तो मतलब हमेशा हाथ जोड़ के ही उसको रहना पड़ता है, वो कहते हैं ना वो हमेशा लड़की वाला ही होता है, चाहे लड़के की भी शादी हो वो लड़की वाला ही होता है, लड़की की शादी में तो होता ही लड़की वाला है। तो वैसी है, फन लविंग है, बहुत दिल से बहुत ऑनेस्ट है, सिंपल लेडी है, पर दिल्ली की है तो थोड़ा सा दिखावा है उसके ओढ़ने पहनने में, बहुत डिसिप्लिन है, इमोशनल है, सेंटिमेंटल भी है, स्ट्रॉन्ग है, आज की जो फीमेल है वैसी है, बिकॉज इंडिपेंडेंटली अब उसके हस्बैंड नहीं हैं, फिर भी सब कुछ घर भी रन कर रही है, बिजनेस भी रन कर रही है, अपने हस्बैंड के हर मैरिज के गुड थिंग्स बैड थिंग्स जो रह जाते हैं उनको भी हैंडल कर रही है। सो जो आजकल के ज़माने की औरत है बिल्कुल वैसी ही औरत है फैंसी आंटी। ये सीरीज़ एक्चुअली मुझे बिल्कुल मतलब ऐसे मिली जैसे ये सिर्फ मेरे लिए बनी थी, मैं इसके लिए बनी हूँ, और तश्तरी में मुझे परोस के दे दी गई है एक तरह से, और मैं बहुत समय से चाह भी रही थी कि मैं ये जो जॉनर है इसको कर पाऊँ, लेकिन शायद एक इमेज को लेकर चल रही थी टीवी में, तो कभी ऑफर नहीं हुआ इस तरह का काम,
और जब ये हुआ तो मैंने मतलब दबोच लिया और हर कोशिश करी कि मेरे हाथ से ना छूटे, नहीं छूटा. आई वॉज़ वेरी कॉन्फिडेंट एक्चुअली. जब पहली बार मुझे ऑफ़र हुआ तो मुझे पता था कि ये सिर्फ मैं ही करूँगी, बिकॉज आई न्यू दैट आई कुड डू इट, आई कुड जस्ट नेल इट. एंड आई थिंक ऐसा ही होगा. फैंसी आंटी के मैं तो अब इस समय मतलब सांस भी फैंसी आंटी की तरह ले रही हूँ. घर जाके भी मुझे लग रहा है ये जिस तरह से फैंसी आंटी बोलती है ऐसे ही मैं घर भी जाके बात कर, वो सिस्टम से ही नहीं निकल रहा है, वो इतना ज़्यादा अंदर इम्बाइब हो गया है. तो बाकी तो आपको सीरियल देखना पड़ेगा एन टी वी पे सैटरडे संडे 8 बजे. वो उन्होंने मुझे ऐसा कुछ परेशान नहीं किया, इनफैक्ट वो तो मुझे हेल्प ही कर रहे हैं. परेशान जो मेरी परेशानियाँ होती हैं उनको वो सॉर्ट कर देते हैं. तो बहुत प्यारे एलियंस हैं जो कि कहीं इमोशनल भी हैं और मुझे बिल्कुल दिक्कत पेश नहीं आ रही है उनकी वजह से. उनकी वजह से मुझे मदद ही हो रही है और मेरे सारे स्यापे जो हैं उनकी वजह से, उनकी पावर्स की वजह से ही सॉर्ट होते हैं.